गाइज वेलकम टू माई व्लॉग जर्नी। सो गाइज आज मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाली हूँ क्योंकि चंडीगढ़ में एक सेलिब्रेशन है और मैं वहाँ पर वो उसे अटेंड करने के लिए जा रही हूँ और मैं आपको अपनी दिल्ली से चंडीगढ़ की पूरी जर्नी दिखाने वाली हूँ। आदि भी अभी आने वाला होगा, मैं जस्ट घर में रेडी हो चुकी हूँ, आप देख चुके हैं मेरा बैग भी पैक है, बस उसके आने का वेट। आदि आ चुका है, जब भी वो आता है ना हमारी गली में ऐसे हॉर्न बजा बजा के लोगों को परेशान कर देता है। आदि मैं तैयार हूँ। अरे लेट नहीं हो रहे, अभी तो सुबह का 9 बजे हैं, 9 बजे हैं और अच्छा जल्दी आओ, पहले मेरा सामान, सच्ची में मैंने सामान पैक कर रखा है बस। हाँ डन, तुम आके देख, सारा सामान रेडी है, जल्दी से आ जाओ सामान उठाने। ये देख लो मेरा पूरा सामान रेडी है। ये वाली कुछ रेडी है ना मेरा सामान? सामान तो रेडी है, फटाफट से चल लो। रेडी है या नहीं है मतलब? ये मैं खुश हो गया तुम्हें देख के, मतलब ये तुम्हारा सामान देख के, क्योंकि तुम्हारा जो सामान रहता है ना उसमें टाइम लगता है बहुत ज्यादा। तो अभी हम बिल्कुल एक्साइटेड हैं क्योंकि हमें चंडीगढ़ जाना है और सेलिब्रेशन में बहुत ज्यादा मजा करने वाले। सो गाइज हमारा सामान गाड़ी में रखा जा रहा है जो कि आदि रख रहा है और अब हम यहाँ से निकलेंगे। सो गाइज हम तो निकल चुके हैं है ना आदि? अब निकल चुके हैं और फिर यहाँ से सीधे चलते हैं क्योंकि अब लेट पहले हो चुके हैं। थोड़ा मौसम भी ऐसा हो रहा है ना, मतलब बारिश। हम पहुंच गए हैं करनाल हाईवे पे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इतने सारे ट्रक जा रहे होते हैं इस वाले हाईवे से, तो और कुछ गुजरता नहीं है मेरे हिसाब से। ट्रक तो इतने ज्यादा है ना, मतलब साइड से ट्रक ही ट्रक निकले। मौसम इतना मतलब लग रहा है थोड़ा सा कि अच्छा हो रहा है धीरे धीरे, अगर बारिश अभी होती है तो मजा आएगा, थोड़ा बारिश में भी नहाएंगे, मौसम भी ठीक है और कहीं से अच्छा हो जाएगा रास्ता भी, और रास्ते में कुछ मतलब ऐसा मौसम के हिसाब से कुछ खाने को मिलेगा तो और मजा आएगा। हम है कुरुक्षेत्र से थोड़ा पहले, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं माही को एक ऐसी चीज दिखी है जो हमेशा, माही जब हम रास्ते में होते हैं कहीं भी होते हैं तो माही उसको देख के वहां रुकवा लेती है कि मुझे ये खाना है, तो मैं आपको बताता हूँ वो क्या चीज है। एक नॉर्मल सी चीज है बस, और ये है वो रबड़ी फलूदा। हो गया दे दो, अभी देखो इसका फेस, अभी थोड़ी देर पहले अभी मतलब गुस्सा कर रही थी मेरे पे किसी बात पे, बीत किसी बात का, अब रबड़ी फलूदा खाएगी उसके बाद और ठीक हो जाएगी। देखो हंसी देखो इसकी, तो ये खाओ और बताओ। मुझे नहीं पता बट मैं नोएडा से रबड़ी फलूदा खाती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगता है ये, मैं फर्स्ट टाइम कुरुक्षेत्र का ट्राई कर रही हूँ, आई डोंट नो ये कैसा होगा बट इसके एक बार टेस्ट करके देखो पहले कैसा टेस्ट है। हाँ नोएडा से अच्छा है? नहीं। ये आपने देखा हम कहाँ पहुँच गए, अभी अमृतसर का बोर्ड वो लगा था, बहुत दूर है अभी अमृतसर। इतना और ये क्या कहते हैं जो अभी फिलहाल में हम ना मतलब अंबाला से थोड़ी सी दूर है बोर्ड, अभी सामने दिखाया था हमने आपको, तो चंडीगढ़ से ज्यादा दूर नहीं है। अभी गाड़ी साइड में लगाएंगे, थोड़ा रुकेंगे क्योंकि बहुत देर से ड्राइव कर रहे हैं तो माही को अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है, तो ज्यादा सफर करने से ना वॉमिटिंग आने लगती है। वॉमिटिंग तो नहीं आ रही है बट पता नहीं क्यों पेट है ना बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है, और मैंने खाया भी बहुत मतलब कम ही था, मैंने इतना ज्यादा खाया भी नहीं है, लेकिन सीरियसली गाइस एक तो पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं ऐसे, शायद लटका के बैठी हूँ बहुत देर से, और अभी कुछ खा लेते हैं प्लीज क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया है, और खाकर थोड़ा अच्छा फील होगा उसके बाद आगे की ड्राइव करेंगे। नहीं हाँ थोड़ा सा बस आगे रुकेंगे हम, आपको पहले हम सोच रहे थे कि वो छल्ली क्या होता है, वो छल्ली छल्ली ये लगा लो रास्ते में 10 बार बोल दिया, छल्ली लेंगे, लेकिन एक्चुअली हर बार मिलती थी हाईवे पे, छल्ली ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता ऐसा तो, लेकिन आज नहीं मिली है, और इवन दैट बारिश का भी मुझे लग रहा था लिटिल लिटिल मौसम हो रखा है फिर भी नहीं मिली, और मेरा इतना दिल था यार भुट्टा खाने का बट क्या कर सकते। बारिश आ गई, ओ मजा आ गया, बारिश का सोच रहे थे हम, बल्ले बल्ले बारिश का सोच रहे थे और बारिश आ गई, मजा आ गया भाई, बारिश का मौसम बारिश आ गई, बट यार इतना मतलब रात होने अब थोड़े सा मतलब बारिश आई, अब नहाने का भी दिल नहीं कर रहा बारिश में, ऐसे में तो बीमार हो जाएंगे। 6:36 मतलब लाइक 6:36 हो चुकी है, शाम हो चुकी है, सो अभी तो बिल्कुल नहाने का दिल बिल्कुल भी दिल ही नहीं करेगा क्योंकि अब तो वैसे भी बहुत देर से मतलब वैसे हो रहे हैं, और थोड़े बहुत अगर 1-2 घंटे पहले 1 घंटे पहले भी बारिश आ जाती जो हम कह रहे थे, तो भुट्टा मिलना जरूरी बस भुट्टा मिल जाए किसी भी तरह। तो जल्दी से उतरते हैं, यही लगा दो बस गाड़ी घुमाओ, ये आप देख रहे हो
तो काफी उतर के मतलब अच्छा सा लग रहा, बढ़िया फील हो रहा। यहाँ की तरफ थोड़ी पीछे हरियाली सी भी लग रही है मुझे, पीछे देख रहे हो? काफी अच्छा सा लग रहा। और यहाँ एक ही ढाबा है, एक ही स्पेस। मेन्यू आ गया है। ओ मेन्यू आ गया, चलो ऑर्डर करते हैं उसके बाद फिर। तो गाइस खाना आ चुका है और इन्हें देखो भूख लगती कैसा, बस मतलब खाना मिल जाओ बस फिर तो खुशी। देखो मतलब पूछना नहीं है फिर किसी से। एक्चुअली बहुत देर से भूख लग रही थी, पहले खा लेते हैं यार। देखो हम क्या बिल्कुल सादा खाना खा रहे हैं जो हमें पसंद है, मतलब थाली और ये रायता है, यहाँ की स्पेशल थाली है। सर निकल रहे हैं, पे कर लेते तो पहले। अच्छा पे भी करना पड़ेगा ऐसा होता है? पापा जी का होटल है। मैं सोच रहा हूँ माही की बातचीत दिखे हैं हमारे रुकों में। और अब हम चल रहे हैं गाड़ी की तरफ, तो चलो बैठो आओ, लॉक खोल देता हूँ। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, जो कि आप देख चुके हो कि अंधेरा हो चुका है और अंधेरा हो रहा है। टाइम ऑलमोस्ट 7:16 हो चुके हैं, दिखाओ। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से कम पहुँच जाएंगे आधे घंटे, 45 मिनट शायद। हाँ। इतना ही लगेगा थोड़ा सा। यहाँ के सारे टूल फ्री है क्या? एक भी टूल ना मिला? यहाँ पे मिलते हैं क्या टूल? अरे टूल मतलब मुझे लग रहा है जैसे किसान जो आंदोलन है ना, हाँ किसान आंदोलन की वजह से सारे टूल जितने भी है ना सब पे ऐसे ही जा रहे, नहीं तो सारे टूल पे टूल देना पड़े। जितने भी टूल आए हमने टूल कहाँ दिया पता? मैं सोच रहा दिमाग में कि टूल तो एक भी कटा ना यार, और हम आ गए यहाँ तक। अब पता चली वो किसान आंदोलन चल रहा है ना, तो उस वजह से टूल वूल तो सारी चीज़ वो कर रखे हैं उन्होंने, इसलिए बंद है मुझे लग रहा। और मुझे आगे की पता ना भाई, रास्ता करनाल हाईवे है चंडीगढ़ जा रहे हैं, अगर कमेंट करके किसी को पता हो तो जरूर बताएं। लोग हो चुके हैं चंडीगढ़ में एंटर, है ना? और एंटर हो चुके हैं अंदर, मतलब ये सिटी ऐसे अभी चमक धमक रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिखाऊं? एक बार दिखाओ, मतलब जैसा चंडीगढ़ का नाम सुना है ना उस, अभी तो घूम के पता चलेगा। हाँ जी हाँ, अच्छा आगे से लेफ्ट है। ओके 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 भाई, गलत आगे बड़े भाई, पीछे आते हैं। हमारी लोकेशन हो गई है गलत, क्योंकि आदि को नहीं देखना आया मैप। मुझे ना है मैप। अच्छा ये ना एक बार की बात बताता हूँ तुम्हें, ये गूगल मैप से ना ज्यादा भरोसा भी ना करना चाहिए, पता क्यों? एक बार मैं गूगल से लेकर आ रहा मम्मी यार, पता क्या हुआ, ले मतलब गाड़ी घूमते 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 सामने दीवार आ गई, अरे वहां से भी रास्ता दिखा रहा लेफ्ट। मैंने कहा अब कहां जाऊं, हद भी। एक बाइक वाला आया निकालो गली में कर घुसा और भाग गया, अब मैं ऐसे ही खड़ा रहेगा। सो फाइनली गाइस हम हैं सही लोकेशन पर पहुंचा दिया। गाइस ये हमारी पूरी वो ले पूरी प्रोफाइल पासपोर्ट बना रहे हैं तुम्हारा, देखिए हमारा फोटो वोटो खींचा जा रहा है, मतलब इतनी सिक्योरिटी इतनी सिक्योरिटी क्या बात है। नेम क्या जी आपका? आदि। इतनी सिक्योरिटी देखी तुमने कहीं? मतलब फोटो खींचेंगे पहले एंट्री, गाड़ी का फोटो, हमारा फोटो, फिर उसके बाद पूरा क्या कहते हैं बात करा दी भैया से ऊपर, उसके बाद ले रहे हैं इतनी एंट्री। तो फाइनली भैया के पास हम पहुंच चुके हैं, एक बार दिखा देता हूँ, मिलवा देता हूँ भैया से, मिलो। नमस्कार नमस्कार जी सब लोग। तो भाई बहुत ही दूर से आए हैं और आज चीकू का वो है, मतलब 100K कंप्लीट हुए, भैया का 100K कंप्लीट हुआ है, तो कांग्रेचुलेशन। क्या बोलोगे बोलो? थैंक यू तो बोल दो। चेरी पकड़ना, खा तो नहीं जाएगा। चेरी तो रुकी नहीं रहा। नमस्ते भाभी, माही मिलो। दिखाते हैं आपको पूरा, ये भैया का रूम है और ये बड़े भैया का रूम है। लो माइक, माइक माइक लो, ये तो गलती। सब ये है इनका सेकंड वाला रूम। एक्चुअली यार यहाँ की डेकोरेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, मतलब लाइक ओके देखने में इतना कूल लग रहा है ना। ये तो जबरदस्त है, क्या बात है। देखने में अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा, kind of luxury home type।
सो या नाइस। तो चीकू का केक आ गया है 100 के का, तो अभी अभी केक काटने की फुल तैयारी है, तो आ जाइए सब लोग। तो मैं पहले आपको केक दिखा देता हूँ। तो चीकू का केक बहुत ही मज़ेदार है, आप देख सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर है, और बहुत ही ज़बरदस्त केक है। तो इसको शुरू करते हैं, आ जाइए। तो चीकू के कल 300 कम थे, तो पायल और गोलू ने स्वाइप अप लगाया, जिससे ये आज 100 के कंप्लीट हो गए हैं। मेरा केक नहीं खाना, चेरी नहीं खाना। चीकू मत करो बेटा, अभी वो केक के ऊपर घूम रही है, खा लेगी। मम्मी चाट लग सुसु है सुसु है सुसु। मैं कर दूंगी, कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं। जन्मदिन थोड़ी इसका, फिर भी एक बुझाते हैं। भिखारी रुक जा अभी यार, तू तो यार चीकू वाकई में नालायक बच्चा, माँ की कसम। आप लोग हाथ लगा के करवाते हैं ना? ये ओह ये तो स्टार बन गया। ओह ले भाई निपटा दे चीकू, ले भाई ले गोलू पाल निपटा दे। तो भैया चीकू को अच्छी अच्छी दुआएं दो, और चीकू समझदार बच्चा बन जाए, और आप ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। जिस चीज के लिए हम आए थे वो तो आपने देख ही लिया है, और सरप्राइज भी आपके सामने है, पूरी फैमिली यहीं पर थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी माई लकड़म, बाय बाय।